वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर व्लॉग गाइस। आज के दिन मैं और मेरी दीदी जा रहे हैं गांव फाइनली आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट एक साल के बाद, बिकॉज मेरे गांव में बहुत ही स्पेशल पूजा और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे सुबह लेट हो चुके हैं। इसको मैं डांट लगाने वाला। ओए दीदी कहाँ है भाई तू? जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल, लेट हो रही है हमको यहाँ पे। क्या लेट हो? रेडी हूँ मैं रेडी हूँ मैं। मेरे को जूते पहनने सारा कुछ नहीं करना, मेरे को लगता है तैयारी हो रही है, चल फटाफट निकलते हैं। गैस तो डायरेक्ट हम लोग गाँव में मिलने वाले हैं, बीच में कोई वो नहीं हरकत है, ठीक है ना? चल भाई, एक साल के बाद अपने गाँव पहुँचते हुए मेरे को ऑलमोस्ट साल नहीं हो गया। अरे ऑलमोस्ट साल हो गया मेरे को यार, क्योंकि यहाँ से ना व्यू बहुत तगड़ा दिखता है मेरे गाँव से यार। ये व्यू के पीछे खड़े तो साइड हो जा। चल मैं खुद भी व्यू ही। वो है गाइस अपने गाँव का मंदिर है वहाँ पे। मम्मी भी कहीं कभी खुशी कभी गम वाली, मतलब जय बच्चन की तरह हमारे गेट के पास एक्टिंग करेंगे। क्या बताएगा, क्या कर रहे हो? ओए खच्चर कितनी सुंदर है, खच्चर कितनी सुंदर है, देख तो। तेरी बात कर रहा था मैं बाद में। तेरे को टास्क है, जा खच्चर के पास जा और खच्चर को ऐसे करके रहा, ऐसे कर ऐसे। नहीं चलना, लात मारती खच्चर। तभी तो बोल रहा हूँ मुंह के पास करियो। नहीं, ये तो किक मार देती है सीधा, ये नहीं छोड़ती यहाँ पे खच्चर। दादू एंड दादी लेट्स गो। अरे बाबू नहीं है, दादू जी। नमस्ते दादू। नमस्ते। ओ ठीक हो? बढ़िया एकदम। दादू आप कैसे हो? ठीक है। आपको निकाल रहा हूँ मैं ब्लॉग में, ठीक है? यहाँ पे ठीक है। गाइस ये दादू मेरे कजन दादू बाद में। ये मेरी दादी यहाँ पे। नमस्ते दादी। नमस्ते। हाँ जी एकदम बढ़िया। कितने टाइम के बाद देखे आप? हाँ जी वो सभी पहुँच ही रहे हैं। आप क्या धूप सेक रहे हो आराम से? ये मेरी दादी है गाइस। तो पूछ रहा हूँ मैं तेरे को, क्या दिक्कत हो रही है? बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, घटिया क्वेश्चन। हमारा घर है जो वायदे अभी बनी रहा है, ऑलमोस्ट बनने वाला। तो यही होता है जो दो व्लॉगिंग करते तो बन रहा है अपना घर ना। यहाँ से स्टार्ट नहीं, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा ना पूरा कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से खत्म हो रहा है भाई। वहाँ नीचे से स्टार्ट हो रहा बनना पूरा पूरा घर। टन टन अभी तक बन ही रहा है अपना घर यार, तैयार नहीं हुआ है। माँ बेटी का मिलन तूने गाने का मम्मी के लिए वाला आ, 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 आ कभी खुशी कभी। नमस्ते मम्मी, सरदार ही लग रही है। नमस्ते। नहीं नहीं मम्मी, मम्मी ऐसे लग रहा है, पगड़ी पगड़ी बांधे हुए लग रहा है मेरे से पंजाब साइड का। अब ओए रुक जा, मैं ना आके आई हूं बेबी। तू भी व्लॉग में निकाल, ऐसे नहीं निकाला, अनफिल्टर्ड व्लॉग है। यही तो है ना, रॉ, एकदम रॉ व्लॉग। कह रहे तुम लोगों ने अपने घर से व्यू दिखाता है, देखो यहाँ पे हमारी ये बालकनी टाइप है छोटी, यहाँ से ना इतना प्यारा व्यू दिखता है जिस टाइप का व्यू ना और कहीं से भी नहीं दिखता है, इतना औसम है ये। ये देखो तो पापा को वहाँ पे लगे काम करने, हम इतनी देर से मिस्त्री लगे काम करने वहाँ पे, हमको देख के पूरा इग्नोर ही कर दिया है। मैं सोच चुकी सच में मुझे लगा कि वहाँ मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं। क्या यार देख तो पापा का ना पूरा डेडिकेशन है भाई, घर बनाने में दिया हुआ है। कैमरा में गाइस शो ऑफ कर रहे हैं संस्कार सारे ना, ये कोई दूसरी बार कर रहा है कैमरा के लिए। आप तो काम में को लगा कि आप मतलब मिस्त्री हो? ये हमारे घर के परमानेंट मिस्त्री है, परमानेंट एकदम। नमस्कार पापा, मैं भी छू लेती हूँ ना, मैं तो हूँ ही संस्कारी बंदी। मम्मी तो अभी ओहो सामने से आ रहे थे ना, मम्मी बोली वो ही तू की स्पीड देखो। अरे इतनी कम स्पीड में चल रहा था मैं, 5 मिनट में। हम तो भाई फास्ट तो चलते हैं, मैं उतना फास्ट भी नहीं, लेकिन चलो मैं घर देखता हूँ एक बार जरा। अभी घर बन रहा है इस गांव में ना, तो मैं जरा फर्स्ट लुक लेने वाला, फर्स्ट रिएक्शन मेरा मेरे घर का। ओह यार तो बहुत सुंदर बन गया। तो यार मैं तुम लोग को दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा यार, थोड़ा थोड़ा मेरे पीछे देख रहा हूँ तुम लोग बने रहे। एक फ्लोर है बारे वाला पूरा, बाकी के नीचे के फ्लोर का भी और दिखाऊंगा तुम लोग को मैं अच्छे से। ये देखो गाइस, ये है हमारे गांव की बच्ची, ये गाय है हमारी, और ये देखो यहाँ पे उसकी छोटू बच्चू। हेलो, हाय, कितनी क्यूट है यार ये। उसकी मम्मी वहाँ पे देख रही है हमको, डर गई है थोड़ी सी। हेलो हेलो, रुको दादी से पूछता हूँ मैं। रुको गाइस मेरी दादी आ रही है, दादी से पूछता हूँ मैं जरा एक बार इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी। दादी कितनी बड़ी है, कितनी उम्र है इसकी छोटी वाली की? हाँ जी 6 महीने के। ओह कितना क्यूट है यार, 6 महीने का। सॉरी। हेलो हेलो, अरे डर रहा बहुत। नहीं, हमारे गाय का ना ओबरा है, गाय का घर को ओबरा बोलते हैं बेसिकली। एंड यहाँ पर देखो, हो इसका नाम क्या दादी, कुछ नाम रखे इनके क्या आपने? क्या नाम है? अब ये देगा छूने अपने आपको। हाँ ये अच्छा आदमी, चल भाई। ओ भाई तीन है यहाँ पे, एक ये भी है एक वहाँ भी है पीछे के लिए, कितने हंसते आ रही है। हेलो, और भाई जी क्या नाम है आपका? आजा
खाएगा तो नहीं मेरे को यार। ये देखो भाई मुझसे नहीं बटा पापा ने, देखो इसको कैसे यहाँ पे एकदम पटा के रखा हुआ है। रुको मैं भी खिलाता उसको ना, खाएगा मेरे हाथ से लगता है? रोज ना मैं खिलाता उसको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सॉरी डर रहा है तू मुझसे, डरेगा तू मेरे से, डरियो मत यार प्लीज। अरे कितना क्यूट है लेकिन, ले खा ले खा ले। लड़ो भाई रेसलिंग करो जरा यहाँ पे थोड़ी देर, देखो सच में स्टार्ट हो गया भाई ये लोग यार। मैं मजाक कर रहा था भाई, वो जो तुम में से जीतेगा ना लड़ाई में ना उसको 10 चॉकलेट दूंगा। चलो आ जाओ, जो जीतेगा ना उसको 10 चॉकलेट मिलेगी। लड़ो लड़ो, शाबाश शाबाश। देखो मामू मेरे रोक रहे हैं उनको लड़ने से, मैं इनको लालच दे रहा हूँ 10 चॉकलेट का ब्लॉक के लिए। चलो भाई शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। भाई अब घर को छोड़ने का टाइम आ गया तो बड़ा दुख होता है। फिर से संस्कार दिखाते हुए लड़का अपना दादी से मिलना होता जाता है। हाँ तो तू तो वैसे बहुत टाइम बाद मिलता है, ठीक है, मैं फिर भी आती रहती हूँ गाँव। अभी देखते हैं कुछ महीने में आएंगे। नहीं आता ये सही है, मैं तो मिलने में तो निकालता हूँ जरा वीडियो में। बाय दादी, मैं नानी से ही मिला था, बल्कि वहाँ नानी भी हमारी है। बहुत दूर को जूम करके दिखाता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी S23 का जूम, वो नानी हमारे उधर को देख रहे हैं पर्पल उसमें। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो मौसम खराब हो रहा था अभी एंड सडनली मैं लिटरली तुम लोगों को बोल रहा हूँ सडनली यहाँ पे ओले गिरने स्टार्ट हो गए। गाड़ी में आवाज सुन रहे हो तुम लोग जस्ट? ओ भाई साहब बहुत ज्यादा जोर से बज रहा है, आई एम नॉट इवन जोकिंग। अब गाइस देखो बाकी सब कुछ तो ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पर ये हो गई है ना कि मैंने अपनी गाड़ी तो पार्किंग में लगा दी है, लेकिन मैं गाड़ी से बाहर निकलूं कैसे, यहाँ पर इतने मोटे मोटे ओले गिरे कि मुझे डर लग रहा है सर पे बहुत जोर से गिरने वाले हैं पक्का। मेरे को लग रहा है मुझे भाग के जाना पड़ेगा यहाँ से बाहर अभी। ओके ओके ओके, भागो 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 भागो। बच गया फाइनली, बच गया भाई। मेरे ना हाथ के ऊपर इतना मोटा ओला गया, मेरे सर पर ना टोपी तो मैं बच गया, मेरे हाथ पे गिरा बड़ा जोर से, दर्द भी यार बहुत ज्यादा। काफी ज्यादा अच्छा मौसम है, लगे भी व्लॉग करिए वाह बेटे। मैंने ना बताया मैं ये बोल रहा था कि काफी अच्छा मौसम हो रहा है, और भाई चाय पकौड़े वगैरह बना दो क्योंकि इसको गोलगप्पे खाने के हैं यहाँ पे। देखो लग रहा है तुमको चाय पकौड़े दूंगी, गोलगप्पे दे, गोलगप्पे का है मेरे, मैं बोल रहा हूँ गाइस गोलगप्पे लगा और ये मेरे को शूट कर रहा है। दोनों एक दूसरे को ब्लॉग में शूट कर रहे हैं यार। सच बताऊं मैं गोलगप्पे लाया हूँ लेकिन वो गाड़ी में रह गया यार, इसने मेरे स्पेशली फरमाइश की थी गाइस गोलगप्पे के लिए, मैं खरीद के लाया इसके लिए पर गाड़ी में रह गए। और क्या ही करना, और क्या ही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, और क्या ही कर सकते हैं। देखो अभी बिहाइंड द सीन में रिकॉर्ड करिए वहां से, देखो ना बाहर कितने मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं, अब मैं कितने रिस्क पे जाने वाला नीचे उसको लाने के लिए। अभी मेरे हाथ पे से पहले एक ओला गिरा यहाँ पे और क्या दर्द हुई यार, चल मैं लेके आता फटाफट। अरे यार एक तो गोलगप्पे मंगाए थे, मैं गाड़ी में ही भूल गया, मैं निकालना ही भूल गया यार, इतनी तेज बारिश में कैसे निकालता हूँ बताओ तुम लोग यार। अब निकालता हूँ और फिर भागता हूँ ऊपर, और क्या करना। ले भाई तेरे गोलगप्पे लेके आ गया, इसके बदले मुझे चाय चाहिए, सारा कुछ नहीं चाहिए। अरे जो बोले तू, चाय फटाफट, ना पकौड़े नहीं चाहिए बस चाय चाहिए, बहुत भूख लग रही है, भूख नहीं लग रही है क्या?
फटाफट फटाफट हो भी खुशी के मारे गिरा गया मैंने नीचे। पर एक रेस कैसे में हार देख, तेरे को गोलगप्पा फटा हुआ तो नहीं है? क्योंकि मतलब मैं थोड़ा इसको क्रैक करके लेके आया था शायद, पता नहीं। बहुत टेस्टी लग रहा है मेरे को ये। अबे गोलगप्पा सूखा क्यों खा रही? सूखा खाना बना के तू क्यों आ रहा है थोड़ी है? अरे मैं लेके आना था दूर से यार। जिसे मैं चैलेंज, ओए एक प्लेट गोलगप्पा लाए चल भाग यहां से, कुछ नहीं मिलेगा तो एक ही लाने से चार थोड़ी लाऊंगा दिल्ली में। एक प्लेट में का मतलब है मैं खाऊंगी, तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? तेरे को एक गोलगप्पा भी नहीं मिलेगा? हमको चाय पीने जरा कुछ नहीं, चल चाय बना रहा प्लीज। आ चुकी है फाइनली चाय, दिख भी नहीं इतने अंधेरे में भाई तू। आ चुकी है, थैंक यू। खुश कर दिया है ना भाई गॉड, मतलब गोलगप्पे इतने टेस्टी थे, मजा ही आ गया। तो इतनी बढ़िया चाय बनाई मैंने, दो कप दो ग्लास चाय बनाई। देखो गाइस भाई चाय तो तुमने कुछ ज्यादा ही बना दिया, इतनी खुश भी ना। रुक जरा एक बार मैं चाय का टेस्ट लेकर बताता हूं गाइस कैसी है चाय बनी हुई। काफी अच्छी है, काफी ज्यादा अच्छी है। अब खाना कुछ ऐसा बना दे कि मजा आ जाएगा। इस बात में रिकॉर्डिंग कर रहा है तुम लोगों के लिए मैं, बहुत तगड़ी वीडियो। खाने में मैं आज सैलेड बनाने वाली, क्योंकि आज बहुत खा लिया है तूने फास्ट। तूने तो कुछ नहीं खा सकता। नहीं मुझे खाना चाहिए बहुत ज्यादा, वो भी अभी ठीक है, बहुत ज्यादा खाना अभी। और कुछ बढ़िया बनाऊंगा मैं तेरे लिए, मैं व्लॉग में निकालने वाला तो अच्छा ही होना चाहिए ठीक है ना? नहीं नहीं तो वही करेगा बेटे। ऑल राइट, जो उसने मुझे बताया था कुछ तो स्पेशल बनाऊंगी, तो भैया इसने बनाया मेरे लिए पालक पनीर, थोड़े से चावल, दो चपाती, और सच बता रहा मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया, बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है भाई, तो मजा आ गया भाई उसमें। यूजुअली गाइस हम लोग रात को बताया खाते, हम लोग सैलेड वगैरह ही खाते हैं, लाइक ऐसी नॉर्मल चीज, थोड़ी बहुत सब्जियां होती है उसमें, पनीर वगैरह होता है, दैट से उतना ही खाते, बहुत लाइट खाना खाते हम लोग रात को। बट आज गाइस हम लोग खाएंगे चावल चपाती और पालक पनीर, बहुत खुशी हो रही भाई सोच के यार, सही में भूखड़ गाइस बहुत बड़ा, तुम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं इस बात का। अरे क्या हो गया भाई, मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ क्या? किस चीज के लिए बुलाया तूने मेरे को? देख मैंने अलेक्सा मंगाई है, मैंने तुझे भी मैं दिखाती हूं। ये गोला अलेक्सा है क्या? कितना ही बदसूरत है भाई अलेक्सा, मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा, पैसे खा लेगी मेरे। एक तो मैं बताने वाली हूँ कि देख अलेक्सा को तेरे बारे में क्या, मैंने पूछा स्मार्टीफाई कौन है, ये बोलती हमार्टीफाई बोल रहा है उसको एक बार ही, मेरे को जानती नहीं अलेक्सा यार, इतना क्या नॉन फेमस हो क्या मैं? क्या तुम स्मार्टीफाई को जानती हो? मुझे एक उत्तर मिला है जिसका अनुवाद यह रहा, हमार्टीफाई एक यूट्यूबर है। अरे मुझे तो पता नहीं मेरा नाम हमार्टी पाया भाई। 30 नवंबर 2018 को अपना चैनल बनाना, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। अब से मेरा नाम है हमार्टी पाए। अलेक्सा स्टॉप गाइस, आज से इसका नाम हमार्टी पाए। नीचे कमेंट्स में लिख दो हमार्टी हमार्टी पाए। अरे अलेक्सा इतनी बदसूरत में दिखने में, अरे फिफ्थ जनरेशन अलेक्सा इतनी सुंदर है, पहले वाली चपटी आती थी। अच्छा ठीक है, इससे तू कुछ काम की चीज पूछ रहा मुझसे रिलेटेड, क्या इसको इसको सब पता है तेरे हिसाब से? मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर से पूछ रहा है? अरे वो कैसे पता होगा? पूछ ना तू, इसको पूछ ना तू। अलेक्सा यस स्मार्टी पाई के इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? यूट्यूब पर यस स्मार्टी पाई चैनल के 46,90,000 बस 6 लाख कम कर दिए इतना जल्दी। इंस्टाग्राम चैनल के 6 लाख सब्सक्राइबर ऐसे उड़ा दिए इसने हवा में। 35 लाख कितने बोला इसने? 35 लाख क्या बकवास की इसने? क्या बोला इंस्टाग्राम पे स्मार्टी पाई के 35 लाख? मेरे को 35 लाख 35 लाख तो हो गए इसके। नहीं अलेक्सा 3 लाख है क्या? अलेक्सा यार दिमाग खराब कर, गूगल है तू। मुझे ये नहीं पता अलेक्सा कैसा बोलता तू? तू बोलता रहेगा रे, ये तेरा वॉइस थी लेगा ना अभी। अलेक्सा गू खा लो। ये इतना अच्छा रिएक्शन देती है, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। कितना गंदा है इसको बोलना है, अलेक्सा मैं मजाक कर रही थी सॉरी यार। अलेक्सा क्या आप मुझे पसंद करते हो? मुझे आप पसंद है एक दोस्त की तरह। हाँ तो मैंने क्या बड़ा शादी कर दी तेरे से? नहीं ऐसे करती मैंने ना, ऐसा मैंने अपने उसमें पूछा था यार वीडियो के लिए, इसने ऐसी मुझे लगा ऐसी बोला होगा, इसने अभी भी दोबारा ये बोल दिया। क्या फ्रेंडशिप फ्रेंड जोन कर रही है मुझे बार बार। अलेक्सा मुझे ना आपसे शादी करनी है। अभी मुझे करनी थी भाई की विवाह योग्य आयु 18 और 21 है। भाई मैं बड़ी हूँ यार, 21 से तो बड़ी हूँ। अलेक्सा मेरे भाई से शादी कर लो यार। सॉरी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। जवाब ही नहीं है भाई। वाह तू कुमारा रहने वाला है, तू कुमारा रहने वाला है। अलेक्सा ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। चल रिजेक्ट है तू, रिजेक्ट। छी छी भाग यहाँ से, भाग, मुझे नहीं चाहिए बदसूरत अलेक्सा, भाग। गाइज मेरी दीदी मुझे बोल रही है कि अलेक्सा एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं इससे कुछ ही पूछूंगा ये उसका जवाब दे देगी। लाइक हम इससे कोई भी चीज पूछ सकते हैं, लाइक कोई भी ट्रांसलेशन कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल अलेक्सा सब चीज का जवाब दे देगी। अच्छा ठीक है रुक जा, इससे बहुत ही ज्यादा टफ चीज पूछनी है, तू ये पूछ
कि अलेक्सा अरे सुन रही है भाई मेरी बात, बाय द वे बट इसने मेरी आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं करती है ये। सो आई थिंक इससे पूछ की जीरे को इंग्लिश जीरा पता नहीं जीरा क्या होता है, जीरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पूछे बारे पुरुष या पुल्लिंग सहोदर है। अगर आप किसी को अपना ओए चुप हो जा अलेक्सा चुप हो जा अलेक्सा चुप हो जा ये ले भाई तेरी आवाज सुन रही मेरी नहीं सुन रही है तू इससे पूछ जीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आगे से बोल दिया ना भाई मान जाऊंगा उसको मैं सच्ची में सीरियसली बता रहा हूँ। अलेक्सा जीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में जीरे को कहते हैं जीरे। क्या फोकस करके जीरे अभी दी क्या जीरे मैं पागल हो जाऊंगा। गाइस एक बात बोलूं, एक्चुअली मैंने ये मेरे पापा का जोक है। पापा ना जब भी मतलब सबसे यही पूछते फिरते हैं कि जीरो को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं, पापा भी ऐसे ही है अलेक्सा की जीरो यार क्यूमिन बोलते हैं भाई इसको, क्यूमिन सीड इसको पता ही नहीं है जीरो को जीरा, एक अंग्रेज की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था भाई कि अलेक्सा को जीरा भी नहीं पता। अनपढ़ यार है तो यार इससे पूछ के अलेक्सा तो इतने अनपढ़ क्यों पूछते। अलेक्सा आप इतने अनपढ़ क्यों हो? सॉरी मुझे ये नहीं पता। देख भाई ऐसी बात है ना, जो इसके खिलाफ बातें मैं बोलती हूँ उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे को क्या जवाब देना है। तो अलेक्सा से काम इग्नोर कर लेती है मतलब है ना पूरी तरीके से, ये किसी काम की नहीं, भाग यहाँ से मुझे इसका कोई लेन देन नहीं, भाग यहाँ से। बक बक गंदी अलेक्सा।